हे hey दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ज्यादा सही हो। तो आज हम लोग जिस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का ब्रांड न्यू फोन ओप्पो A3X 5G जो कि इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, एंड इसी फोन की आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। क्या कुछ ओप्पो ने इसमें नया पैक किया है, कैसे में आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, इस फोन को आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फटाफट वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हमें आपको ओप्पो A3 5G की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एंड इसी बॉक्स साइड में कुछ हाईलाइट फीचर देखने को मिलते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताने। अगर इस फोन के एमआरपी वाइज बात करें तो बहुत ही हाई एमआरपी का ऑप्शन देखने को मिलता है। एक्चुअल प्राइस मैं वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर इसके रैम वेरिएंट की बात की जाए तो 4GB रैम 128GB इंटरनल वाला ये फोन होने वाला है। तो चलिए फटाफट बॉक्स कर लेते, ओपन रखते हैं इसको साइड में, एंड ये रखा हमारा फोन अपने प्रोटेक्शन के साथ में, इसको भी रखते हैं साइड में। बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, पेपर, सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसी फोन के अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि सिलिकॉन होने वाला है। साथ ही साथ इसी फोन के अंदर रखा एक हैवी वॉट का चार्जर जो कि 45W के साथ सपोर्ट करने वाला है। इसको चार्ज करने के लिए आपको एक केबल भी देखने को मिलती है, केबल क्वालिटी आपको बेस्ट देखने को मिलती है। देखा जाए तो सभी बॉक्स कॉन्टेंट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके बात करें डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, जैसा कि आप डिजाइन देख सकते हैं काफी आपको ब्यूटीफुल डिजाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है। जो कैमरा मॉड्यूल को ओप्पो ने डिजाइन किया वो पर्सनली बहुत इंप्रेसिव देखने को मिलता है। व्हाइट कलर, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर के साथ ये इंडिया मार्केट में फोन को लॉन्च करेंगे। नीचे आपको छोटी सी ओप्पो की एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एंड इसमें आपको यूज किया गया मटेरियल तो देखा जाए तो प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया जो काफी ज्यादा ग्लॉसी है। फ्रेम टाइप में देखेंगे तो आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये फोन आने वाला है, एंड साथ ही अगर मैं फ्रंट की बात करूं, फ्रंट में आपको एक आईपीएस एलसीडी यू सपोर्ट का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें आपको एक पंचोल कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही इसी फोन की मैं अगर वेट की बात करूं तो अराउंड ये 171 से 180 ग्राम के समथिंग आपको ये वेट देखने को मिलेगा। इन हैंड फीलिंग्स फोन की काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलती है, फोन काफी ज्यादा आपको स्लिम देखने को मिलता है, एंड काफी आपको लाइट वेटेड भी देखने को मिलता है। की पोर्ट्स की बात करें तो राइट हैंड साइड में आपको एक वॉल्यूम रॉकर एंड पावर की का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें आपको एक साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट भी होने वाला है। ऊपर की साइड आपको पूरा नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड में बात की तो आपको एक सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड अगर मैं नीचे की बात करूं तो 3.5 mm जैक, टाइप सी चार्जर, माइक्रोफोन एंड आपको स्पीकर लेने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। नोटिस करने वाली बात यहां पे ये है कि भाई अब के सारे ब्रांड है जो कि आपको 3.5 mm जैक को हटा रहे, बट यहाँ पे ओप्पो ने काफी अच्छे तरीके से इसमें आपको 3.5 mm जैक का भी सपोर्ट दिया है, तो जो काफी ज्यादा ग्रेट वाली बात है। एंड इस फोन का मुझे डिजाइन बिल्ड क्वालिटी कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी देखा जाए इस प्राइस में काफी ज्यादा बेस्ट बैठता है, एंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव देखने को मिला है। चलिए फटाफट फोन कर लेते हैं बूट, इसके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों फोन हमारा बूट, एंड फोन की पहले बात करेंगे डिस्प्ले क्वालिटी की, डिस्प्ले काफी ज्यादा शार्प देखने को मिलती है। एंड यहाँ अगर मैं बात करूं बेजल्स की तो बेजल्स थोड़े बहुत आपको मोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं, जो नीचे के बेजल्स वो काफी ज्यादा आपको मोटे देखने को मिलते हैं। एंड अगर डिस्प्ले साइज की बात करूं तो 6.67 इंचेस के आपको आईपीएस एलसीडी वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा इसी फोन के अंदर। 120 हर्ट्ज का आपको इसमें आपको रिफ्रेश पैनल सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो अराउंड ब्राइटनेस का आपको 600 से 800 का निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन टाइप की बात करूं तो 1080 पिक्सल का आपको रेजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलेगा। अमेज़न, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब कॉन्टेंट आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। डिस्प्ले मुझे भी कोई भी कमी देखने को नहीं मिली, बस यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस करने वाली बात यह कि इस फोन में जो डिस्प्ले पे यूज किया गया बेजल वो बहुत ही मोटे बेजल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल और कोई मुझे इस डिस्प्ले में कमी देखने को नहीं मिली है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं इसे कैमरे की तरफ। एंड दोस्तों इसे मेन कैमरा की बात की जिसमें आपको 30 MP प्लस 2 MP का कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक LED फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको एक 8 MP कैमरा सपोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए इसी फोन से कुछ फटाफट फोटोज देखते हैं। एंड दोस्तों अगर इसके 13 MP प्राइमरी कैमरे की बात की जाए तो 13 MP जो कैमरा है वो काफी अच्छी खासी आपको नेचुरल क्वालिटी के इमेज प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा बात नहीं कि अगर 13 MP कैमरा तो बहुत ज्यादा डल लाइट एक्सपोज करेगा, अच्छी खासी आपको इमेज प्रोवाइड ये कर रहा है। जो कैमरा क्वालिटी वो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलती है। प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए जो कैमरा का यूज किया गया है वो बेहतर देखने को मिलता है, एंड कुछ आप सैंपल्स भी देख सकते हैं। जो फोटो जो कंडीशन है वो काफी अच्छा आपको बेहतर देखने को मिलती है। लाइट की कंडीशन काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है, एंड बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज भी नहीं कर रहा है, ज्यादा डल एक्सपोज भी नहीं कर रहा है, नेचुरल एंड मेंटेन क्वालिटी की आपको इमेज ये प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ इसी फोन के अंदर आपको एक पोर्ट्रेट सपोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, बट नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब मैं इसका पोर्ट्रेट ऑप्शन रेड में क्लिक कर रहा हूँ तो ये फ्रंट कैमरा खुल जा रहा है। पता नहीं इसमें क्या ऐसा लैग इशू या कोई बग्स इशू है, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू ये शायद सही हो सकता है। बट यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं जब भी इस पे टैप कर रहा हूँ पोर्ट्रेट पे तो उसका फ्रंट कैमरा खुल जा रहा है। इसमें आपको मोर में ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो अपने डेली टास्क की यूज कर सकते हैं। प्रो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड साथ इसमें आपको एक नाइट शॉट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है।
वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज बात की जाए 720p 1080p आपको 30fps पे रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलते हैं। एंड भाई वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसकी जबरदस्त देखने को मिलती है भाई। वीवो ओप्पो कैमरा जो होता है भाई वो मेन देखा जाए तो कैमरे पर्पज इस फोन को लॉन्च करते हैं। एंड इसी फोन के अंदर जो कैमरे का यूज किया गया वो भी आपको जबरदस्त देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी कैमरा में 30 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर यूज किया गया तो भाई बहुत खराब इमेज आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो भाई आपको नेचुरल क्वालिटी की इमेज ही प्रोवाइड करेगा। फ्रंट कैमरे क्वालिटी वाइज बात की तो 8 मेगापिक्सल जो फ्रंट कैमरा भाई सेल्फी लवर्स के लिए वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। 8 मेगापिक्सल कैमरा काफी आपको नेचुरल क्वालिटी की इमेज प्रोवाइड कर रहा है एंड आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। जैसे कि आप कैमरा क्वालिटी का इमेज देख सकते हैं काफी आपको नेचुरल कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है। जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है, शार्पनेस इमेज के अंदर देखने को मिलता है, ब्यूटी टोन भी काफी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसी फोन में आपको फ्रंट में भी पोर्ट्रेट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड जब इस फोटो का भाई पोर्ट्रेट पे क्लिक करोगे फ्रंट में वो बहुत ही तगड़ी इमेज आपको देखने वाला है क्योंकि इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो अच्छे तरीके से एच टू एच ये फोन को ब्लर करता है एंड आपको एक हाईलाइटेड इमेज आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ फ्रंट में भी आपको एक नाइट शॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड अगर फ्रंट में वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज बात की जाए तो 720p 1080p भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। इवन मैं यहाँ बात करूँ कैमरा क्वालिटी की, भाई कैमरा क्वालिटी अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा जबरदस्त कैमरा क्वालिटी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस एंड चिपसेट। इसमें जो प्रोसेसर का यूज किया है उसमें लगा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का आपको चिपसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपको 6 नैनोमीटर पे आता है। प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्रोसेसर काफी अच्छे तरीके से बैठता है। साथ ही साथ इसके रैम वेरिएंट की बात करूं तो 4GB रैम 128GB के साथ ये फोन आता है। 4GB रैम में आपको 4GB रैम एक्सपेंडेबल कर पाएंगे, टोटल ये फोन आपको 8GB रैम पर ये फोन को रन करेगा। एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो एंड्रॉइड 14 के साथ ये आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है एंड कलर लोएस आपको 14 का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो BGMI आपको 40fps पे देखने को मिलेंगे। नॉन जायरो भाई अगर इसको लेना चाहो तो भाई ले सकते हो, बट जायरो सपोर्ट इशू खेलना है भाई, ये जायरो काम अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर मैं गरीना फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूं तो भाई हाई फ्रेम मैक्स सेटिंग पे आप खेल पाओगे। तो प्रोसेसर क्वालिटी में मुझे इसका कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। बात कर सकते नेटवर्क कनेक्टर भी, इसमें डुअल सिम के साथ एक 5G के साथ एक वाईफाई 2 GHz 5 GHz दोनों ही सपोर्ट देखने को मिलते हैं एंड ब्लूटूथ 5.3 का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात कीजिए तो 5100 की आपको बैटरी कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको चार्ज करने के लिए ओप्पो ने इसमें 45 वॉट का चार्जर सपोर्ट का ऑप्शन दिया है जो कि अराउंड ये 1 घंटे के समथिंग फोन को चार्ज कर देगा। एडिशनल फीचर की बात कीजिए तो राइट हैंड साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ एक फेस लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन पैनल की बात कीजिए तो काफी तगड़े तरीके से कस्टमाइज किया है, डेली टास्क आप काफी ज्यादा इजी बना देगा। एंड अगर होम स्टॉक की बात की जाए तो भाई काफी आपको प्री लोडेड एप्स आपको पहले से देखने को मिलेंगे जो अपने हिसाब से आप इसको अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। लास्ट इस प्राइस और मेरी ओपिनियन की तो भाई प्राइस आपको 13,999 एंड 14,990 समथिंग इंडिया मार्केट में फोन को लॉन्च करने वाले हैं। इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए फोन काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत कमियां मेरे इस फोन के अंदर देखने को मिली है जैसे डिस्प्ले क्वालिटी में जो हुआ बेजल एंड थोड़ा सा कैमरा लैगिंग इशू भी देखने को मिला है। फिलहाल देखा जाए इस फोन में मुझे कोई भी अदर कमी देखने को नहीं मिली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर, मिलते हैं मजेदार वीडियो तक के लिए।